ओम शांति। 4 मई 2023 के ईश्वरीय महावाक्य, आज के मधुर मुरली का सार। मीठे बाबा ने साकार मुरली के सार में कहा, मीठे बच्चे, कभी जिस्म साकार शरीर को याद नहीं करना है। आंखों से भले इन्हें देखते हो, परंतु याद सुप्रीम टीचर श्री बाबा को करना है। यदि आप करेंगे तो आपका ही कल्याण है, क्योंकि दुनिया में जो समय आने वाला है उसमें तो इसको जाना ही है। तो परमात्मा आपको रास्ता दिखाते हैं। बाबा बाप हमें उस रास्ते पर चलने कहते हैं जिस रास्ते पे बच्चों को तकलीफ ना हो। फिर आपकी मर्जी, उंगली छुड़ाकर भागना है या उंगली थाम कर चलना है। प्रश्न है, तुम बच्चे किसी कायदे को जानने के कारण हार फूल अभी स्वीकार नहीं कर सकते। हार और फूल। उत्तर, हम जानते हैं कि जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, वही हार फूल के हकदार हैं। इस कायदे अनुसार हम फूल हार स्वीकार नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं, मैं भी तुम्हारे फूल हार स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मैं ना पूज्य बनता हूँ ना पुजारी। मैं तो तुम्हारा ओबीडियंट फादर और टीचर हूँ, है ना। वो तो अभोक्ता है, शरीर थोड़ी है। परमात्मा को गला थोड़ी है जो आप गले में हार, और उनकी हार थोड़ी होती है ना। हार और जीत तो हम आत्माओं की होती है। परमात्मा तो सदा जीता हुआ है, वो तो हमें जीतना सिखाता है। हार से फिर हमें जीतना कैसे है, इन विकारों पर कैसे जीत पानी है, कैसे हम आत्मा से खुद की लड़ाई लड़ते हैं, और कैसे हम सद्गुणों को धारण करते हैं, है ना, और हम हीरा बनते हैं। तो बाबा कहते हैं, ये तो फिर क्या करना है, मैं तो तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, फादर और टीचर भी हूँ। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। बाबा कहते हैं, ओम शांति। मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता है। याद करते हैं, अब भारत बहुत दुखी है। ड्रामा अनुसार यह सब गीत बने हुए हैं। दुनिया वाले नहीं जानते हैं, बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने व दुखियों को दुख सेलिब्रेट करने, दुख हर कर सुख देने लिए। बच्चे जान गए हैं, वही बाप आया हुआ है। बच्चों को पहचान मिल गई है, स्वयं बैठ बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश कर फिर तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्यंत का राज बताता हूँ। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है फिर पुराना होता है, नया शरीर पुराना शरीर दो चीज तो नहीं कहेंगे, शरीर तो एक ही है। लेकिन जैसे जैसे शरीर की आयु बढ़ती है, वैसे वैसे वो अधो एज में फिर तमो एज में आता है, है ना। तो नया और पुराना दो नहीं कहेंगे, लेकिन नए से पुराना एक ही होता है, है ना। तो बाबा कहते इस तरह से एक ही सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे दुनिया एक ही है, नई से अब पुरानी हुई है। नई कब थी या फिर कोई भी बता नहीं सकते हैं। बाप आकर समझाते हैं, अब जो ऊपर बैठा देखे वही जाने, यहाँ नीचे वाले तो नीचे ही देखते हैं, तो नीचे वालों को तो नीचे कई अच्छे से कैसे पता रहेगा। हाँ, तो ऊपर बैठा वो सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है, वो जानी जाननहार है। हाँ, तो बाबा कहते हैं, नई कब थी यह फिर कोई भी बता नहीं सकते। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे जब नई दुनिया थी तो भारत नया था, सतयुग कहा जाता है, वही भारत अब पुराना बना है, इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड वर्ल्ड बनी है, फिर इनको नया जरूर बनना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बरोबर, यह लक्ष्मी नारायण थे, आदि सनातन देवी देवताएं मालिक थे। यह बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते हैं, अब निरंतर याद करो, यही याद करो। बाप परम धाम से हमको पढ़ाने राजयोग सिखाने आया हुआ है। महिमा सारी उस एक की ही है, इनकी महिमा कुछ नहीं है।
इस समय सब तुच्छ बुद्धि है, कुछ नहीं समझते हैं, इसलिए मैं आता हूँ, तब तो यह गीत भी बना हुआ है। सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है, हर एक का पार्ट अपना अपना है। बाप बार बार कहते हैं, देह अभिमान छोड़ दे ही अभिमानी बनो, और याद शिव बाबा को करो। यदि देह को याद करेंगे तो देह के संबंध याद आएंगे, और देही रहेंगे तो देही याद आएगा, है ना, वो भी देही, है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए विदेही बनो और मुझ विदेही बाप को याद करो, बेहद के बाप को, हाँ, तो देह अभिमान छोड़ना होगा। ऐसे ही समझो, शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है ही नहीं, है ना। वो तो खुद कहते हैं कि मैं आधार हूँ, मुझ में बैठे उस परमात्मा को याद करो। बाबा कहते हैं मैं तो दलाल हूँ, हाँ, तो भले इनका रूप इन आँखों से दिखाई पड़ता है, परंतु तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए कि इनमें कौन बैठा है जो हमें देख रहा है इनके नैनों से। हाँ, नूरे रत्न बच्चे कहते हैं ना, मस्तक मणि कहते हैं ना, तो इनके अंदर कौन समाया है जो हमसे यह सब कह रहा है, इतना मीठा मीठा कहता है, कानों में मीठे मीठे बोल बोलता है, सुबह अमृत वेले बोलता है, पूरे दिन आकर के बार बार कुछ ना कुछ कह जाता है, धीमे से, हल्के से, प्यार से, मीठे बच्चे कह जाता है, कौन है वो, इनके अंदर बैठा है वो परमात्मा है, वो बेहद का बाप है, वो नूरे रत्न कहने वाला इनकी आंख से देख रहा है, तो हमें तो उसको देखना है, उसको याद करना है, है ना। तो बाबा कहते हैं परंतु तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए, शिव बाबा ना हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं है, है ना। इसके पहले देखिए, इनका नाम तो ब्रह्मा बाप ने रखा है, है ना, ये तो लेखराज के नाम से जाने जाते थे, है ना, इनका लौकिक में तो उस समय तो सिर्फ ये अपने लिए करते थे। अब परमात्मा जब इनके अंदर आए तब सबके लिए करा रहे हैं, तो करण करावन हार है, है ना। श्री बाबा, बाबा कहते हैं इनका काम का थोड़े ना था शरीर, हमेशा समझो इसमें शिव बाबा है जो इस द्वारा पढ़ाते हैं, तुम्हारा यह टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर को है, याद उनको करना है, कभी भी इस जिस्म को याद नहीं करना है, बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है, तो सर्वव्यापी का ज्ञान ठहर भी ना सके। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ, परमात्मा परमपिता परमात्मा के सिवाय तो कोई राजयोग सिखला ना सके। तुम बच्चों के बुद्धि में है कि यह गीता का ज्ञान स्वयं बाप सुनाते हैं, फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, वहाँ दरकार ही नहीं है, राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती है, ज्ञान लिया जाता है दुर्गति से सदगति में जाने लिए। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बात है, मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो कुछ भी करते हैं सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता, आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बन गए हैं, पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़ता है। अब तो मनुज से मांगोगे तो भाई बहनों से, या फिर आप अपने काका चाचा मामा से मांगोगे तो वर्षा थोड़ी मिलेगा, प्रॉपर्टी तो बाप की बाप से ही मिलेगी, तो दादे की बाप के द्वारा, ना। बाबा कहते हैं अब कितने मनुष्य हैं, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है, सब खत्म हो जाने हैं, सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं, नई दुनिया में वैभव बहुत है, मनुष्य थोड़े होते हैं, यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है, पुराने कल राठी जमीन है, फिर नई हो जाएगी, वहाँ है एवरीथिंग न्यू, नाम ही कितना मीठा है, हेवन, बहिष्ट, देवताओं की नई दुनिया, पुराने घर को तोड़ नए में बैठने की दिल होती है ना, अब है नई दुनिया, स्वर्ग में आने की तात लगन, इस पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, शिव बाबा को तो कोई शरीर है नहीं। बच्चे कहते हैं हार पहनाएं, लेकिन इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा, है ना। शिव बाबा कहते हैं हमको हार की दरकार नहीं है, तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी बनते हो, अपने आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी बनते हो, तो अपने ही चित्र की पूजा करने लग पड़ते हो,
पापा कहते हैं, मैं ना पूछे बनता हूँ, ना फूलों आदि की दरकार है, मैं क्यों पहनूं? इसलिए कब फूल लेते नहीं, तुम जब पूछे बनो फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। अभी तो पूछे नहीं हो ना, तो पापा कहते हैं, मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही डालते हैं तो लिखते हैं मेंटो कर्जे, अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखते हैं। देखो यहाँ तो लिखते हैं श्री श्री लक्ष्मी नारायण श्री फलाना, एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब शरीर को याद ना करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। सोना 9 कैरेट का होगा तो जेवर भी 9 कैरेट का होगा, सोने में ही खाद पड़ती है। तो आत्मा को निर्लेप नहीं समझना चाहिए, आत्मा ही शरीर के द्वारा दुख सुख बीमारियाँ पुण्य पाप सब आत्मा शरीर के द्वारा ही कष्ट में रहती है। तुमको अभी ही यह ज्ञान है, फिर 21 जन्मों के लिए प्रलब्ध पा लेते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी जो हम कमाएंगे ना वो हम बैठ करके खाएंगे, है ना, फिर वहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं, ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है, उसे भी तो बनना है, वो भी तो पुरुषार्थी है ना। एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं तो बाप को भूल ठेक कर भीतर सबकी पूजा करते हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट हो जाता है, ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है तो वही शूटिंग में घड़ी घड़ी दिखाई देता है कि नहीं। पतंग का उड़ना हुआ, शूट हो गया तो फिर रिपीट होता रहेगा, लेकिन हद के ड्रामा में आप आजकल उसे करेक्शन दे सकते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं बेहद के ड्रामा में ना कोई करेक्शन और ना कोई किसी तरह का चेंज कर ही नहीं सकते, है ना। तो बाबा कहते हैं शूट हो गया फिर रिपीट होता रहेगा, या फिर ड्रामा सेकंड सेकंड रिपीट होता रहता है, शूट होता रहता है। बना बनाया ड्रामा है, तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी देखते हो। एक बहुत स्वीट सा सॉन्ग है ना, आने वाला पल जाने वाला है, जाने वाला पल आने वाला है। तो बाबा के बेहद के ड्रामा में भी तो पास सो फ्यूचर, फ्यूचर सो पास, और जो प्रेजेंट है वो भी बीता हुआ है, पास ही है ना, जिस जगह हम बैठे हैं अभी। तो पल आएगा, पल जो गिरा है वो आएगा, लेकिन उसके लिए कल्प का इंतजार करना होगा, लेकिन बदली होकर नहीं आएगा, हूबहू ऐसे ही आएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से शूट होता रहता है, सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता है, बना बनाया ड्रामा है, तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता रहता है, पत्ता हिला ड्रामा पास हुआ, ऐसे नहीं पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म पर चलता है, यह सब ड्रामा की नोंद है। यदि पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म पर चल रहा होता ना तो इतनी दुनिया में पाप थोड़े होते हैं, तो वो तो दुनिया बाबा की अलग ही है, इनको अच्छी रीति समझ आना पड़ता है। बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं, संगम युग पर कांटा भी लगा हुआ है, इतना सा है ना संगम युग, इतना सा है ना। तो बाबा कहते हैं उस पर कांटा लगा हुआ, कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम, अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म हैं, नई दुनिया में फिर यह नहीं होंगे। तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो, बाप हमको पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवान बाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी इन लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं तो उन्होंने पूज्य बनाने वाला भी मैं हूँ। पूज्य जो थे अब वह पुजारी हो गए हैं। तुम बच्चे अब समझ गए हो, हम सो पूछे थे फिर हम सो पुजारी बने, बाबा तो नहीं बनते हैं। तुम बच्चे अभी फूल हार आदि स्वीकार नहीं कर सकते हो, कायदे अनुसार जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं वही हकदार है फूलों के, और वो तो सतयुग में है। अच्छा, तो वहाँ स्वर्ग में
है ही खुशबूदार फूल, खुशबू लेने लिए फूल होते हैं, हार पहनने के लिए भी फूल होते हैं। बाप कहते हैं, अब तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। नंबर 12, तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वह करते हैं, करने लग पड़ेंगे। नंबर 12 तो हो है ही, बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है, जैसे दुकान में होता है सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, यह भी ऐसे है, बिजनेस ही है ना। तुम बच्चों को माता पिता पर जीत पानी है। तुम वंडर खाते हो, माता पिता के आगे कैसे जा सकते हैं। बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं, तख्त नशीन बनाने इसलिए कहते हैं हमारे तख्त पर जीत पहनना। 1-2 पर जीत पहनते हैं ना। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक। फिर कहते हैं किंगडम स्थापन हो रहा है, फिर उसमें वैरायटी पद हैं। माया को जीतने का पुरुषार्थ पूरा करो, बच्चों आदि को भी प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर चलाओ। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, प्रभु यह सब कुछ आपका दिया हुआ है, लौकिक में आपके पास जो भी है ना बच्चे, उपहार किसका, परमात्मा का। धन तन मन रिश्ते नाते उपहार है, आप उसे अच्छे से क्या करो, उपहार को क्या करते हैं, लेते हैं ना, है ना। तो ऐसा नहीं कि मेरा है ना, उसका दिया है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से कहते हो ना कि उपहार मिला है ना, आज सब कुछ आपने दिया हुआ है, तो आपकी अमानत आपने ले ली, फिर रोने की बात ही नहीं। परंतु यह है ही रोने की दुनिया। मनुष्य कथाएं सुनाते हैं, मोहजीत राजा की भी कथा सुनाते हैं, वहाँ कोई दुख फील नहीं होता है, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, वहाँ कभी कोई बीमारी नहीं होती, एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है। शादी आदि कैसे होती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, वहाँ की रस्म रिवाज कैसे चलती है, यह सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वह पाठ सब बीत गया, उस समय इतना ज्ञान नहीं था। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत जोर से आती जाती है, यह भी पाठ सब पाठ में नुंधा हुआ है। वंडर है परमात्मा में भी कितना भारी पाठ है, खुद बैठ समझाते हैं। ब्रह्मांड में ऊपर बैठ मैं कितना काम करता हूँ, नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ। बहुत निराकार के भी पुजारी होते हैं, परंतु निराकार परमपिता परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं, यह बात गुम करती है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है तो निराकार से प्रीति ही टूट गई है। बाप और बच्चे की बायोग्राफी एक कर दी है तो मूंझ गए हैं, बच्चे को बाप कह दिया। बाप का जो बच्चा है, रचना है ना कृष्ण, तो बाबा कहते हैं फिर उस बच्चे का नाम डाल देने से निराकार से प्रीति ही टूट गई है, यह तो परमात्मा ने ही सहज राजयोग सिखाया और दुनिया को बताया। दुनिया बदलती रहती है, युग बदलते रहते हैं, इस ड्रामा के चक्र को अब तुम समझ गए हो। मनुष्य कुछ नहीं जानते, सतयुग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते, सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई है। मंदिर में विराजमान जल चित्र है, चैतन्य आत्माएं नहीं है, वो होकर पूर्वज आत्माएं जो गई हैं उनके जो है क्या कहना चाहिए, यादगार स्वरूप चित्र है जल चित्र। तो बाप समझाते हैं हमेशा ऐसे समझो, हम शिव बाबा के हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा हमको इस ब्रह्मातन द्वारा शिक्षा दे रहे हैं। श्री बाबा की याद में फिर बहुत मजा आता रहेगा, ऐसा गॉड फादर कौन कहलाए, फादर भी है टीचर भी है, परंतु वह फादर गुरु भी हो ऐसा नहीं हो सकता। टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका बाबा इनका बाबा का फादर भी टीचर था, पढ़ाते थे, हम भी पढ़ते थे, वह है हद का फादर टीचर, यह है बेहद का फादर टीचर। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो सौभाग्य, गॉड फादर पढ़ाते हैं कितना क्लियर है, तो कितना मीठा बाप है। मीठी चीज को बहुत याद किया जाता है, जैसे आशिक माशुक का प्यार होता है, उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता है। प्यार को देखा नहीं जाता,
प्यार महसूस किया जाता है। प्यार अट्रैक्शन नहीं, प्यार केयर है ना, एक दूसरे के प्रति सच्ची शुभ भावना, आत्मिक स्नेह। प्यार एक माँ भी करती है, प्यार एक बच्चे से भी होता है, प्यार पिता से भी होता है, प्यार आशिक से भी होता है, प्यार एक फ्रेंड से भी होता है। तो सबका मतलब शरीर से प्यार करना नहीं है, है ना। तो बाबा कहते हैं प्यार जो है ना पवित्रता का नाम है। जैसे आशिक माशुक का प्यार होता है, उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता है, बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा के साथ। आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान का प्रेम का सागर है, इस पतित शरीर में आकर कितना हमको ऊंच बनाते हैं। गायन भी है मनुष्य से देवता की ये करत न लागी वार। सेकंड में बैकुंठ में चले जाते हैं, सेकंड में मनुष्य से देवता बन जाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट, इसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा है मूत पतीले कपड़ धोए, लक्ष्य सोप है ना। लक्ष्य कौन सा, पढ़ाई का लक्ष्य है ना, एम ऑब्जेक्ट है ना, क्यों पढ़ रहे हैं बाबा की पढ़ाई, है ना। तो मूत पतीले कपड़ धोए, जैसे एक माँ अपने बच्चे के गंदे कपड़े, है ना, गंदे कितने गंदे कपड़े धोती है, तो ऐसे ही यह बाप आया है मूत पतीले कपड़ धोने के लिए। बाबा कहते हैं मैं कितना बड़ा धोबी हूँ, तुम्हारे वस्त्र आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ। ऐसा धोबी कभी देखा, आत्मा जो बिल्कुल काली हो गई है उनको योग बल से कितना स्वच्छ बनाता हूँ। तो इनको दादा को कभी याद नहीं करना, आज बाबा ने यही कहा। इन ब्रह्मा से मीठा वह है, आत्माओं को कहते हैं तुमको इन आंखों से यह ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा तुमको इनके द्वारा कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा हम गॉडली स्टूडेंट हैं, भगवान टीचर बन पढ़ाते हैं, इसी स्मृति में रहना है। घर में रहते पूरा ट्रस्टी बनना है। दूसरा, अभी हार फूल स्वीकार नहीं करने हैं, विष्णु के गले का हार बनने के लिए माया को जीतने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है पहले आपके विशेष गुण द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले सफल मूर्त भव। एक दो को आगे बढ़ाने का गुण अर्थात पहले आपका गुण परमार्थ और व्यवहार दोनों में ही सर्व का प्रिय बना देता है। बाप का भी यही मुख्य गुण है। बाप कहते हैं बच्चे पहले आप, बाप का भी यही गुण है। बाप कहते हैं पहले बच्चे पहले आप, तो इसी गुण में फॉलो फादर करो, यही सफलता प्राप्त करने की विधि है। जो बाप के प्रिय, ब्राह्मण परिवार के प्रिय और विश्व सेवा के प्रिय है वही अवरवैदी है। स्लोगन, मनन शक्ति के आधार से ज्ञान खजाने को अपना बना लो तो विघ्न विदाई ले लेंगे। मनन शक्ति के आधार से ज्ञान खजाने को अपना बना लो तो विघ्न विदाई ले लेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।